कार न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारस में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा पाल की। जी हाँ, विधायक पूजा पाल ने राज्यसभा सदस्यों के लिए क्रॉस वोटिंग करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ना वोट देकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया। और अब पूजा पाल ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उनके भाई के समान है और उन्हें अपने भाई को वोट दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद और प्रयागराज में पहले एक आतंक था किसी व्यक्ति का, और योगी सरकार ने उस आतंक को मिटा दिया है। तो ऐसे में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया है। लेकिन पूजा पाल अब भी ये कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी की सिपाही है। अब ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी उन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। सपा के विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया भाई, कहा अंतरात्मा की आवाज पर दिया बीजेपी को वोट। मैं समाजवादी पार्टी के सच्ची सिपाही हूं, संगठन के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा सदस्य चुनाव के लिए मैंने वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दिया। ये कहना है चायल विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल का। उन्होंने राज्यसभा सदस्य चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने पर दैनिक जागरण से खुलकर अपनी मंशा व्यक्त की। मैं समाजवादी पार्टी की सच्चे सिपाही हूँ, संगठन के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा सदस्य चुनाव के लिए मैंने अपना वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दिया। ये कहना है चायल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल का। उन्होंने राज्यसभा सदस्य चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने पर दैनिक जागरण से खुलकर अपनी मंशा व्यक्त की। कहा कि प्रयागराज वर्षों तक आतंक का गढ़ था, मेरे विधायक पति की सरेआम हत्या कर दी गई, मैंने उन्हें न्याय दिलाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया का अंत करके मुझे न्याय दिलाया। यह वोट एक बहन की ओर से भाई योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करना है। उन्होंने बीजेपी को वोट देने के बदले कोई डील होने से इनकार किया। कहा कि मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत क्षति झेली, ऐसे में वोट कहाँ देना है उसका निर्णय स्वयं किया। मेरे पति के स्वयं अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझे पक्ष रखने का मौका देंगे तो उनसे अपनी बात कहूंगी। मुझे विश्वास है कि वो मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगे क्योंकि वो संवेदनशील व्यक्ति हैं। सपा की ओर से कार्रवाई होने पर प्रश्न पर कहा कि जो होगा देखा जाएगा, बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रश्न पर खुलकर नहीं बोली। कहा कि भविष्य में क्या होगा उसे अभी नहीं कहा जा सकता, जो होगा वो अच्छा ही होगा।